गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं, अभी 10 o'clock होने जा रहा है और मेरा एक कप चाय हो चुका है, आप लोगों के बिना पी ली हूँ आज, आप लोगों को बताई नहीं हूँ। अभी सेकेंड कप चाय पी रही हूँ। 6:30 आज उठ गई हूँ, नींद खुल गई है 6:30। एंड सो मोस्टली 7 o'clock ट्यूशन जाता है, आज नहीं गया, आज उसका ट्यूशन 2 o'clock से है। और लेकिन मेरी नींद खुल गई, उसके बाद मुझे नींद आई नहीं, तो फिर बैठ के मैं कंप्यूटर पे अपना जो मेरे काम बाकी पेंडिंग बचे हुए थे वो फिर वो सब करने लगी। अभी फिर सेकेंड टाइम चाय बना रही, फिर बात करते हैं चाय पीने के बाद। आप सबके नाम से चाय पीने जा रही हूँ। कैसे हैं आप सब, ठीक है ना? और आज मैं सोची कि चाय पीते पीते आप सबके साथ गप्पा मारूंगी, लेकिन कैसा क्या हुआ कि थोड़ी बिजी हो गई इस चक्कर में, जो है सो कि नई ब्लॉग बना पाई। अब भी जस्ट अभी फ्री नहीं हूँ, तो मैं पता है क्या, आज मैं जब सुबह में किचन में जब आज ये कर रही थी, आज सुबह से बताती हूँ कि मैं क्या क्या की हूँ। आज सुबह उठने के बाद क्या हुआ कि नाश्ता आज बहुत लेट हुआ, तकरीबन 12 o'clock के करीब में, सवा बारह में आज नाश्ता की हूँ। आज सुबह में मैं और गुड्डू दोनों 12:15 के करीब में नाश्ता की, और नाश्ता हुआ पोहे बनाई थी, और पोहे मैं और गुड्डू दोनों खा लिए। और इधर आज लंच में बनाई थी डोसा सांभर, तो डोसा सांभर गुड्डू को उतना पसंद नहीं है, लेकिन ओके खा लेते हैं वो। लेकिन अंशु गोल्डी को मुझे बहुत पसंद है, पापा को भी मेरे बहुत पसंद है डोसा सांभर, तो आज पापा को भी याद कर रही थी मैं। तो मैं गुड्डू गोल्डी अंशु हम चारों डोसा सांभर खा लिए, मीरा के लिए भी बना के रख ली। बहुत सारे मैं क्वेश्चन आया कि मीरा कौन है आपकी, मीरा मेरी हाउस हेल्पर है, मीरा के लिए भी बना करके रख दी। और फिर जो है सो कि थोड़ा बहुत जो काम होता है घर का वो यही सब करने लगे। अभी सोसाइटी में चल रहा है पेंटिंग, तो मेरे तो बालकनी की हालत हो गई है बहुत ख़राब। आज दिन में थोड़ा बाहर जाना पड़ा मुझे, वही जो साबुन है मेरा तो उसके कारण थोड़ा बहुत जाना पड़ता है। अब लिपस्टिक भी नहीं लगाए, अब बस मूड नहीं किया, ना कान में पहनी हूँ ना लिपस्टिक लगाई हूँ, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आज कभी कभी होता है ना, बस ऐसे ही कुछ, तो आज कुछ करने की इच्छा नहीं। फिर शाम में आते आते बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 6:30 के करीब में आई हूँ। उसके बाद फिर से सार ली हूँ, आने के बाद बाहर से ना थोड़ा सा पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, फिर से सार ली हूँ। सार लेकर के निकली हूँ, फिर थोड़ी बहुत पूजा हुई है, हल्की फुल्की शाम जो दिखलाते हैं, तो शाम में वो थोड़ा अगरबत्ती वगैरह दिखलाना होता है वो दिखला ही रही थी कि अम्मा का मेरे फ़ोन आ गया। फिर अम्मा का फ़ोन आया तो लंबा गप्पा हुआ, लंबा मीन्स अभी जस्ट अम्मा का कॉल कटा है, पूरा पापा घर दिखला रहे थे, गांव का मायके का घर देख कर कितना अच्छा लग रहा था। जब पापा घर दिखला रहे थे ना मायके का मेरे, मतलब मायके का घर दिखला रहे थे, तो पूरा बचपन याद आ जाता है ना, ऐसा वीकनेस होता है ना, वीक पॉइंट होता है हर औरत के लिए मायका उसका। तो फिर पापा दिखला रहे थे पूरा घर, ये किचन ये वो तो देख करके इतना अच्छा लग रहा था, मैं इमेजिन कर रही थी कि मैं भी वहाँ पे इस समय रहती। वो सब थोड़ा सा लंबा गप्पा चला, और उसके बाद जो है सो कि थोड़ा बहुत रात का गुड्डू को मैं बोली कि चिकन लेके आ जाइए, चिकन बना देती हूँ आपके और अंशु के लिए, चिकन बन जाएगा। मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, मैं भी नॉनवेज नहीं खाती और गोल्डी भी नॉनवेज नहीं खाती, हम दोनों नॉनवेज खाते नहीं हैं, हम दोनों वेजिटेरियन हैं, बनाने में मुझे कोई परेशानी है नहीं। तो गुड्डू के लिए और अंशु के लिए नॉनवेज चिकन, और मैं और गोल्डी अपने लिए आलू पूरी, वो आलू पराठा बनाऊंगी, वो कोरिएंडर लीफ डाल के धनिया पत्ती डाल करके। पता है आज एक बात कर लेते हैं कि आज मुझे आज शाम में एक मैसेज आया था कि मैं सांवली हूँ, और इसकी वजह से जो है सो कि मेरे सारे रिश्तेदार जो है सो कि मुझसे बहुत दूर हो, मुझसे मेरे रिश्तेदार दूर रहते हैं, अमनदीप सबकी करके कुछ तो नाम था उनका, 28 साल, मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा रंग कम है इसलिए मुझसे मेरे सारे रिश्तेदार दूर होते हैं। आपका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद अमनदीप था या समथिंग कुछ था। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं क्या, वो अपने हो ही नहीं सकते जो आपके रंग को, आपकी खूबसूरती को, अगर आप सांवले हो या फिर अगर आप गोरे हो, अगर आप सुंदर हो,
तो फिर आपके अपने अपने वो होते हैं जो, जो अपने अपने जो होते हैं उसमें कुछ रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। अगर कोई अपना हो, अगर मैं अच्छी देखने में नहीं हूँ तो रूल और रेगुलेशन नहीं होना चाहिए कि मैं भैया अच्छी रहूँगी तभी मेरे फ्रेंड बनेंगे, है ना। फ्रेंड में और अपने में बहुत फ़र्क होता है। जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं, मीन्स आपके, अगर वो, अगर आपकी खूबसूरती को देख करके अगर आप सांवले हो, अगर आपका रंग कम है तो फिर आपसे अगर दूर हो रहा है तो फिर वो आपके अपने हैं ही, वो आपके अपने हो ही नहीं सकते। आप मेरे मेरी नज़र से देखो ना तो वो आपके हो ही नहीं सकते। खूबसूरती देख करके कौन अपना पराया होता है यार, वो तो मैं किस एंगल से फिर वो आपके अपने हैं। जितने दूरी वो आपसे बनाते हैं ना उससे दुगुना दूरी आप बना लो आपके, क्योंकि वो किसी भी एंगल से वो आपके अपने नहीं हैं। जहाँ तक रंग साफ करने वाली बात है ना, तो बहुत सारे सारे ऐसे लोग हैं जिनका डस्की कलर था और आज वो फेयर कॉम्प्लेक्शन में गिने जाते हैं। जो ये उपटन वगैरह जो होता है ना, वो सब अगर आप डेली यूज़ करते हो ना तो आपका कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, आपका रंग निखरता है, नो डाउट आपका रंग निखरेगा और आपकी स्किन में ग्लो आएगा। अगर आप डेली अगर आप कोई ना कोई उपटन लगाते हो ना तो आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होगा। लेकिन एक बात आप जान लो, जो रूल जो नियम बना करके बोले ना कि भैया तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम देखने में सांवली हो तो तुमसे तो मेरी फ्रेंडशिप नहीं हो सकती, तो तुम मेरे अपने नहीं हो भैया, इसलिए मैं तुमसे दूरी बना ली, तो फिर वो आपके अपने नहीं हो सकते, दुश्मन मेरी आ गई। और मेरी बहुत बड़ी वाली दुश्मन है, पूरा पॉइंट मेरा घुमा दी ऐसे करके गई वो। ओ गोल्डी देखो, ओके आके गई। बाहर के लोगों का इतना लाउड चल रहा है ना टीवी वगैरह कि मैं इसलिए मैं अंदर आ गई कि भैया मैं अंदर ही आ जाती हूँ। अंशु है नहीं, अंशु ट्यूशन गया है और गुड्डू का वो चल रहा है, न्यूज़ चल रहा है, गोल्डी का अभी थोड़े देर में जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी कितना टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है, थोड़े देर में गोल्डी शुरू करेगी। पापा कसौटी जिंदगी की देगा, दिखाओ ना मुझे वो कसौटी जिंदगी की, में और कोई सीरियल में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास, मुझे एक्चुअली किसी सीरियल में इंटरेस्ट नहीं। मैं ना देखती हूँ वो बिग बॉस टाइम पास लगता है वो देखती हूँ, और थोड़ा सा वो नज़र देखती थी मैं, वो नज़र आता था दे नहीं, नज़र नहीं सॉरी हाँ नहीं नहीं वो दिव्य दृष्टि आता है ना, अभी तो वो भी बंद हो गया, अभी 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने से देखी नहीं है। उसमें जो वो बोलती है ना पिशाचनी का पी साइलेंट ऐसे करती ना, ओ पिशाचनी का पी साइलेंट है वो, मुझे उसके डायलॉग में वो पिशाचनी को देखने के लिए मैं देखती थी दिव्य दृष्टि, मुझे उसका एक्टिंग बड़ा अच्छा लगता था, यूं करके उड़ती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वही मैं आपको कहती हूँ, खूबसूरती से अगर कोई देख करके अगर आपसे कोई अगर फ्रेंडशिप करता है तो आप उसे मस्त दूर हो जाओ, बोलो भैया आप तो मेरा, आप मेरा रंग रूप देख करके अगर मुझसे आप दोस्ती करोगे तो कहाँ से आप मेरे दोस्त हो, किधर से मैं आपकी दोस्त हूँ फिर। देखो शादी जहाँ शादी अगर होने जाती है तो उस समय तक जो होता है कि भैया रंग रूप दिस दैट, वो भी अब ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक बार आपकी शादी हो गई ना, शादी होने तक बहुत होता है कि भाई मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे वो उस टाइप का लड़का चाहिए, तो मुझे इस टाइप की लड़की चाहिए। एक बार शादी हो गई, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, आपस में रिलेशन अच्छा है, तो सब सही हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम शादी के पहले तक तो सब कुछ ठीक था, शादी के बाद जो है ये परेशानी हो। भैया तो तुम देख करके शादी किए थे ना मुझसे, है ना, तुम तो देख करके मुझसे शादी किए थे, तो फिर शादी के बाद आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है, समझ रहे हो ना। अपने वही सिंपल एक लाइन में जवाब, अपने वही हैं जो आपके आपकी खूबी को आपकी खासियत को देख करके आपसे प्यार करें। अपने वो नहीं है जो कि आपकी खूबसूरती को देख करके आपसे प्यार करें। फ्रेंडशिप में चलता है, फ्रेंडशिप में तो बहुत चलता है, भैया वो बहुत स्मार्ट है तो मेरी फ्रेंड वो है,
वो बहुत ये फ्रेंडशिप में मैं ये देखती हूँ आजकल के टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा है। आजकल की जो जनरेशन है ना उसमें ये बहुत है कि वो स्मार्ट है तो उसके साथ फ्रेंडशिप। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था भाई। अभी गोल्टी रहती तो कहती हाँ तुम्हारा भीरे वाला जमाना, लेकिन जो भी हो मेरे हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। हम तो भाई फ्रेंड बनाते थे बस ऐसे ही, जिसके साथ हमारी आपस में बॉन्डिंग रहती थी, हमारे जिसके साथ अच्छे से बातचीत वगैरह होती थी वो हमारे फ्रेंड होते थे। बाकी तो आजकल तो वो बातचीत को तो छोड़ दो, आजकल तो रिलेशन नॉर्मल, अगर दोस्त अगर आपको बनाना है तो उसमें अभी आपको देखना है हमारा स्टैंडर्ड, वो क्या ड्रेस पहन रही है, मैं क्या ड्रेस पहन रही हूँ, उसके बीच में हमारा क्या आपस में, बहुत नाटक है आजकल के। बहुत हमारा समय बड़ा अच्छा था भाई, जो इच्छा होती थी वो करते थे। वो कौन सा गेम एक होता था, अठक बजरक बोलते थे उसको, क्या बोलते थे वो, जो 5 स्टोन से खेलते थे वो खेलते रहते थे। वो उस समय तो था नहीं, मोबाइल था नहीं, कुछ था नहीं, हमारी लाइफ बड़ी अच्छी थी भाई। आजकल के बच्चों की लाइफ, हमारे पास पढ़ने का भी टाइम था, हमारे पास इंजॉय करने का भी टाइम था, हम लोग इंजॉय करते थे लाइफ। कितना गुड्डा गुड़िया की शादी मैं कराई थी, जिसमें मैं बड़ा सीरियस होके शादी करा, मैं तो बारात वगैरह सब लेके जाती थी। मेरी माँ के और मेरे नानी के तो कितने साड़ी जो है वो मैं फाड़ देती थी, अपनी जो गुड़िया होती थी ना उसका ड्रेस बनाने के लिए, कितनी साड़ी। और मैं प्रॉपर शादी कराती थी, मीन्स आपकी बेटी जब आएगी तो वो पेटी होता था इतना छोटू सा, हम लोगों का स्कूल का बैग तो उस समय बहुत रेयर होता था, वो बक्से आते थे लेदर के बैग तो बहुत बाद में आया, पहले तो वही होता था, वो चदरे का बॉक्स बक्सा आता था इतना बड़ा सा बॉक्स ऐसा, तो हम लोग वो जो पुराना हो जाता था तो उसके अंदर वो पूरा साड़ी वगैरह फाड़ते थे, पुराना पुराना जो अम्मा का साड़ी होता था वो लेते थे, तो पूरा साड़ी उसको बांध बना करके ऐसे रोज डॉल को पहनाते थे, उसकी शादी होती थी, प्लस बाराती आता था, फिर हम लोग आपस में वो हम लोगों का वो खेल था। आजकल के बच्चों का वो तो खेल ही नहीं, हमारा वो खेल था। हमारी दुल्हन वहां जाती थी, वो आती थी, मैं तो दीपावली के टाइम में जो घड़ौंदा होता था उसमें मैं प्रॉपर खाना बनाती थी। मेरे इतने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन थे उसमें मैं खाना बनाती थी, और जो मेरे यहाँ जो हाउस हेल्पर थी मेरे मायके में, उनका नाम तो हमें नहीं पता था, वो सब उनको उमेश बहू बोलते थे, उनका रियल नाम कोई जानता ही नहीं था, हस्बैंड के नाम से लोग पहले जो हाउस हेल्पर जो पहले जो घर में होती थी उनका नाम तो बहुत कम लोग जानते थे, तो उनके हस्बैंड के नाम से जानते थे, तो हम लोग बोलते थे उमेश बहू आप अम्मा का सफाई करती हैं पूरा किचन का उसके, तो भाई मेरे भी किचन का सब कुछ सफाई कर कीजिएगा। तो वो भी पूछती थी कि तो भैया मुझे बदले में क्या मिलेगा, तो मैं बोलती कि जो मैं पकाती हूँ आपको कौन है। हाँ दुष्ट लड़की। अच्छा गोल्डी को भगाऊँ क्या, 1 सेकंड देखिएगा कैसे गोल्डी भागती। गोल्डी 1 कप चाय पिलाओ, देखिए गोल्डी की जब इच्छा होगी ना तो भर भर के कप में चाय पिलाएगी, लेकिन ऐसे अगर आप मांगिएगा ना कि गोल्डी 1 कप चाय पिलाओगी क्या, गोल्डी फटाक से भागी ना। गोल्डी को जब इच्छा होती है ना कि मेरे पास गोल्डी बाजू में ना रहे और मैं रिलैक्स होके रहूं, गोल्डी को यही कहती, चाहे वो टाइम कुछ भी हो रहा हो, 12 बज रहे हो, 7 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, बस मैं बोलती गोल्डी यार बहुत हेडेक हो रहा है बेटा, 1 कप चाय पिलाओगी, बस देखिए कि गोल्डी विद इन सेकेंड कैसे भागती है, नहीं तो फिर ओह मम्मा करती रहेगी आजू बाजू में। तो कभी कभी इच्छा होती है तो फिर मैं यही कहती चाय बना के पिलाओगी बेटा। गोल्डी सब्जी बनाई थी, मेरा टॉपिक ही घुमा देती है ना, बहुत दुष्ट लड़की है ये, कहाँ गई देखो टॉपिक घुमा के। तो मैं ना वो खाना जो बनाती थी ना वो उमेश बहू लेती थी, वो खाती थी, तो आज भी बोलती है कि वो कितना स्वादिष्ट खाना होता था। वो सब समय था, आजकल के बच्चों के पास तो टाइम होता है मोबाइल लेकर के और एक कॉर्नर में बैठ गए। हमारा टाइम अच्छा था भाई कि अपने सबके साथ रह करके एंजॉय करते थे। वही है, मैं सोची कि आज ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, फिर मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बनाती हूँ, थोड़ा सा मीन्स बनाती हूँ। आज मैं दिन में हम लोग उसको
पोहे फ्राई बोल दो महाराष्ट्रीय लैंग्वेज में, मतलब मराठा मतलब महाराष्ट्र में पोहे को चूरा को पोहे बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको चूरा बोलते हैं। तो चूरा जो है उसको फ्राई करके बनाई, वो पापड़ वगैरह डाल करके कल आप लोगों को दिखलाऊंगी। गुड्डू बहुत प्रेम से खाते हैं, अंशु खाता है, गोल्डी खाती है, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं कब खाती हूँ उसे, अभी वो डब्बा भरा हुआ है ना, इतने बड़े बड़े वाले डब्बा में बना करके उसको रखी हूँ। मैं सोची थी उसका ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन फिर मन इच्छा नहीं हुई, मैं बोली यार छोड़ो फटाफट बना लेती हूँ, बाद में कभी किसी दिन और बनाऊंगी तो फिर उसको ब्लॉग बना दूंगी, उसको बनाते कैसे वो दिखा दूंगी। मैक्सिमम बहुत ईजी है, सबको बनाने आता है, लेकिन फिर भी मैं डाल दूंगी। तो मैं कब खाती हूँ, जब वो डब्बा में इतना बचा होता है ना, जब वो लगता है कि अब वो खत्म हो जाने वाला है तब मैं खाती हूँ, नहीं तो फिर वो इच्छा नहीं होगी खाने। ऐसा है, मीरा कहेगी दीदी अब खत्म होने वाला है खा लीजिए, नहीं तो कल नहीं मिलेगा। तो मैं हाँ भाई सही भी कह रही हो, खा लेती हूँ मैं। गोल्डी तो जब से बनाई हूँ तब से घूम घूम करके घूम घूम करके वो दबाया जा रही है। अंशु अभी नहीं खाया क्योंकि अंशु अभी ट्यूशन गया हुआ, एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन था उसका, मैथ्स और साइंस का था। गुड्डू भी नहीं खाया है, बोले मैं कल खाऊंगा, आज अभी मूड नहीं हो रहा है खाने का। वही है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करती हूँ कल ब्लॉग डालने का। लेकिन एक बात आपको मैं फिर से बता देती हूँ, अपने वही होते हैं जो आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, कोई भी कंडीशन हो आपका, उसमें आपको एक्सेप्ट करे। अपने वो नहीं होते हैं जो आपकी खूबसूरती को देख करके और आपके रूप रंग को देख करके और आपके अपने, वैसे अपने किसी काम के नहीं जो आपकी खूबसूरती को देख करके आपसे जुड़ते हैं, अपने वो नहीं होते। अपने हमेशा बोलते ना, अपना जो होता है वो दो टाइम में समझ में आता है, दुख में जब आप रखते हो ना, तकलीफ में जब आप रहते हो, तो फिर जो उस समय आपका साथ दे वो आपका अपना होता है। और ये बात तो मैं गौर की हुई हूँ मैं, कि जब मैं तकलीफ में थी तो कौन कौन मुझे साथ दिए थे, तो वो उनकी उनकी उन्होंने जो मुझे किया ना, मैं इस जन्म में तो उनका वो तो फिर ये हो जाएगा ना कि उन्होंने मुझे किया, गिव एंड टेक वाला हो जाता है। आपने मुझे किया इसलिए मैं आपको कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। शायद इस जन्म में मैं उनका कर्ज चुका ही ना पाऊँ, ये जन्म ही कब बच जाए, अगला जन्म का कौन देखा है, लेकिन इस जन्म में अपने मरने के टाइम तक उनका मैं कर्ज नहीं चुका पा सर। यही वही मैं कहूँगी, जो आपसे आपकी चेहरा को देख करके जुड़ते हैं वो आपके अपने हैं, जो आपसे आपकी शक्ल को देख करके दूर भागते हैं वो आपके अपने नहीं हो सकते, आप उनसे दूर भागते। खूबसूरती चंद चंद दिनों की मेहमान होती है, एक दिन तो सबको उसी मिट्टी में जाना है, गोरे को भी काले को भी सांवले को भी, सबको बस वही 2 फुट मिलना है ना। तो जो आपसे जुड़ते हो आपके दिल को देख करके, उनके साथ आप जुड़िए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।